आज मैं एक स्टोरी करने जा रहा हूँ श्री मनमोहन सिंह पर, इसके उनके ऊपर अनुपम खेर जो बॉम्बे के फिल्म स्टार हैं, वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनका जो जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके ऊपर इन्हीं के स्पेशल असिस्टेंट ने बारू ने किताब लिखी थी अपने बॉस के बारे में, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मेरी जो इनकी मेमोरी है मनमोहन सिंह की, वो मेमोरी है जब ये हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था और बॉम्बे में उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। हर्षद मेहता 1 करोड़ रुपया लेकर गया था, नरसिम्हा राव को डिलीवर किया था। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बॉम्बे ने उस समय सिटी बैंक के अंदर 500 करोड़ रुपया कैश इसके अकाउंट में जमा हुआ हुआ था। हर्षद मेहता के स्कैम होने से पहले हमको खबर लग गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बॉम्बे में, और क्योंकि ये 1 करोड़ रुपया पीवी नरसिम्हा राव को कैश पहले ही दे आया था, ये पहले क्लर्क था एक इंश्योरेंस कंपनी में, हम तो इसने वहां पर बॉम्बे में मनमोहन सिंह के लगातार फोन आते रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे कि हर्षद मेहता के का पैसा छोड़ो, हर्षद मेहता के जितने भी कंप्यूटर थे उसके ऑफिस में वो कॉन्फिस्केट हो गए थे, लेकिन मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर में सिर्फ हर्षद मेहता की वकालत कर रहे थे, दलाली कर रहे थे, नरसिम्हा राव से अपना जॉब बनाना चाहते थे। ये बात हम बता रहे हैं, इनकी तो खैर मृत्यु हो गई है, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, और इसने करीब 5,000 करोड़ रुपया कॉमन इन्वेस्टर्स का लूटा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ। हर्षद मेहता का याद करते करते मैंने हिंदुस्तान के सारे स्कैंडल जब से आज़ाद हुआ, वो देखिए सबसे पहला स्कैंडल आज़ाद हिंदुस्तान हुआ 47 में, 1951 में होता है साइकिल इंपोर्ट स्कैम, मुंद्रा स्कैंडल काफ़ी बड़ा है, 12 मिलियन यूएस डॉलर्स का है, ये पहला होता है 1951 में। उसके बाद दूसरा स्कैंडल होता है 1960 में होता है, आप देखिए कंट्री कितना ऑनेस्ट था, 1960 में होता है और वो होता है तेजा लोन स्कैंडल, 220 मिलियन यूएस रुपए का हुआ और 3.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान में 13 साल के बाद प्रताप सिंह कैरों का स्कैम होता है, उसकी अमाउंट नहीं दी हुई है, कैरों का होता है। 1960 के बाद कोई स्कैम नहीं होता है हिंदुस्तान में, और 1965 में होता है 5 साल के बाद कलिंगा ट्यूब स्कैंडल होता है, उसकी अमाउंट नहीं लिखी हुई है। अब आप देखिए इंदिरा गांधी का आगमन होता है इस देश के अंदर, और ये आपके आर के धवन और ये जितने लुच्चे लफंगे थे ये सब इसके पास आ जाते हैं। पहला स्कैंडल अगर आप देखें, मुंद्रा स्कैंडल को छोड़ के, पहला स्कैंडल 1971 में होता है। इस मुल्क में इतनी ऑनेस्टी थी, 1947 के बाद हम बात कर रहे हैं, 24 साल बीतते हैं, 24 साल तक इस कंट्री के अंदर स्कैंडल ही 2-3 होते हैं, छोटे छोटे स्कैंडल। नागरवाला का स्कैंडल होता है और उसमें 60 लाख रुपए का स्कैंडल होता है। उसके बाद आपका जो स्कैंडल होता है वो 1974 में होता है मारुति का, संजय गांधी का। 1974 में फिर एक और स्कैंडल होता है, कुओ ऑयल स्कैंडल, उसके बारे में मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन फिर 1974 के बाद 1981 में होता है, 7 साल तक कोई स्कैंडल ही नहीं होता। फिर पहला स्कैंडल आता है, सीमेंट का स्कैम आता है अंतुले का,
30 करोड़ रुपए का। फिर जो सबसे बड़ा स्कैंडल होता है, आप देखिए हिंदुस्तान कितना ऑनेस्ट था, बोफोर्स का स्कैंडल आता है 1987 के अंदर। 1987 के बाद अगला बड़ा स्कैंडल होता है 1979 में, सेंट किट्स फोर्जरी। आप देखिए अगर आप मेरे से सच्ची माने तो पहला सबसे बड़ा स्कैंडल होता है बोफोर्स का स्कैंडल, मैं मानता हूं। और वो इसलिए होता है कि यहां इटालियन एक औरत, करप्ट औरत, थॉरली करप्ट वुमन, शी शुड बी हैंग फ्रॉम अ पब्लिक स्क्वायर। बोफोर्स स्कैंडल अपने हस्बैंड को करके होता है, फिर सेंट किट्स फर्दरी होती है। 1990 में एयरबस स्कैंडल होता है। 1990 के बाद देखिए आप, 92 में हर्षद मेहता पार्लियामेंट ऑयल इंपोर्ट इंडियन बैंक स्कैंडल, ये तब है जब पीसी आपका नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर है, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर है। 1994 में शुगर इंपोर्ट होता है। 95 में 3-4 स्कैंडल होते हैं। 96 में 2 होता है, सुखराम का सीआर बंसाली फर्टिलाइजर इंपोर्ट। आप उसके बाद ये देखिए, जैसे ही श्रीमती सोनिया गांधी का आगमन होता है और आपके नरसिम्हा राव का प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके बाद की आप हालत देखिए, इसकी हालत देखिए इस देश की, आपको शर्म आएगी। 2000 से इस देश का हाल देखिए, हसन अली, स्टेट बैंक ऑफ आर्मी, राशन पिल्फरेज, फॉरेक्स स्कैम, कैशेट जज डोर स्कैम, पेनी स्टॉक स्कैम, पंजाब सिटी सेंटर प्रोजेक्ट स्कैम, उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा स्कैम, ताज कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग स्कैम, आईपीओ स्कैम, बिहार फ्लड रिलीफ स्कैम, ऑयल फॉर फ्लड रिलीफ, हडको स्मैल, आंध्र प्रदेश सोशल वेलफेयर स्कैम, स्टैम्प पेपर स्कैम, तेलगी वाला प्रोविडेंट फंड स्कैम, ऑपरेशन बेस्ट हैंड। 2008 है, 2008 के बाद गुजरात स्कैम, ऑस्ट्रेलिया कोक स्कैम, वसुंधरा राजे दीनदयाल उपाध्याय, सुखना लैंड स्कैम, ओडिशा पैडी स्कैम, राइस पॉइजन, जेबीटी स्कैम। उसके बाद 2009 में गुजरात स्नूप गुड स्कैम, गोवा स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कैम। 2010 में इसरो स्कैम, आंध्र प्रदेश एमआर स्कैम, कर्नाटका लैंड स्कैम, कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड स्कैम, उत्तराखंड सिटूकर लैंड स्कैम, एमसीआई बरम्बी स्कैम। चार आप 2010 के बाद देखिए, एकदम बेलरी माइनिंग, टाटा स्कैम, एलआईसी, ट्राइटो स्कैम, ये पूरा ट्रिलियंस में शुरू हो जाता है। ये देखिए 2010 से होल स्केल करप्शन इस देश में आ रही है। देखिए ये एक साल की लिस्ट है, 2010 की इतनी बड़ी लिस्ट है। शर्मनाक हिंदुस्तान का ये शर्मनाक इतिहास है। देखिए ये 2010 का, 2010 ही दो पन्ने खा गया। फिर ये 2013 में होता है सारा स्कैम। देखिए ये उस समय हमारे देश के नेता, ये आदमी प्राइम मिनिस्टर था, ये बहुत चलाक है, इसको तुम सीधा साधा मत समझना। उसके बाद आप ये देखिए 2014 में देखिए कितने स्कैम होते हैं। व्यापन सब है इसमें, व्यापन कैश फॉर एंड सीट, ये देखिए दर्जनों के हिसाब से इस देश में स्कैम हो रही है। और उसके बाद क्योंकि आपको हम ये भी दिखाते हैं 2014 के बाद क्या हुआ। 2014 में 2015 जब तक बीजेपी पावर में आ चुकी है, और ये जरा बीजेपी की पावर के स्कैम देख लीजिए आप, गुड़गावा स्कैम, जल बोर्ड स्कैम, अमेठी चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली सीएनजी स्कैम, दिल्ली पावर स्कैम, गुजरात फिशरी स्कैम, जेडीसी प्लॉट स्कैम, मिजोरम ऑफिस, महाराष्ट्र स्कैम, उत्तराखंड स्कैम, नागपुर लैंड ग्रैब स्कैम, हरियाणा टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, फॉर्डर स्कैम, एमबीएस सीट एग्जाम, 215 कैश फॉर वोट स्कैम, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट स्कैम, क्रिमेशन शेड स्कैम, राज्यसभा पवार, ये 2015 की लिस्ट है। कैश फॉर वोट स्कैम, सत्यम स्कैम, ताज कॉरिडोर स्कैम, हवाला स्कैंडल, ये भाई साहब ये पूरा इस कंट्री जो है 2015 तक पूरा डूबा हुआ है इस करप्शन के अंदर। हाँ, 2015 के बाद हमारे पास जो है इस समय सिर्फ 2 साल बचे हैं। 2015 में लगता है कि अब शांति आ गई देश में। 2016 में सिर्फ एक स्कैम होता है, साईं प्रसाद ग्रुप पोंजी स्कैम,
और मेरे को लगता है ये शायद वेस्ट बंगाल का स्कैम है। और उस समय यहाँ पर 2017 में स्कैम होते हैं, सारे पोंजी स्कैम है, टोरनेडो पोंजी स्कैम, अरूबा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पोंजी स्कैम, रिंगिंग बेल स्कैम, मेडिकॉम, ये मेरे को लगता है ये यूपी में हुए, शायद वेस्ट बंगाल में हुए। 2015 में पूरा भारत डूबा रहता है, 2016 से शांति आती है और अभी 2017 तक ये शांति चल रही है, अभी तक तो चल रही है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये इस देश का हाल देखिए आप, इसका ये पूरा मेरे पास डिटेल है, इसमें किताब भी कोई लिखेगा तो क्या किताब कब तक लिखता रहेगा। लेकिन कई बार मैं जब ये देखता हूँ सब, तो मेरे को कभी ये ख्याल हमेशा ही आता रहता है कि ये गरीब बच्चे जो हैं, जब हम थे तब देखते थे और सोचते थे शायद कुछ हिंदुस्तान का हम कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ होता हुआ नहीं लगता है। एक मेरे पास एक लड़की की बच्ची की फ़ोटो है बहुत अच्छी, वो पता नहीं किधर चली गई। लेकिन एक ही हमारे दिल में रहता था कि ये मैं गाना जरा दो लाइन सुनाना चाहता हूँ, सोचते थे होगा वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, काली सदियों जब रात का आंचल ढलकेगा। जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूमके नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, तो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, प्यासी